हेलो एवरीवन, कैसे हो सब आप लोग? आशा रखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आप सब लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्काई कोचिंग क्लास पे, राइट? तो यहां पे हम बहुत दिनों के बाद अब साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो ओल्ड सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 8 था और यहाँ पे वो चैप्टर नंबर 7 है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत एक बार वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपना जो साइंस का है वो भी थोड़ा आगे बढ़े। वो भी मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स का बहुत सारा पेपर सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है, वो भी आप देखते रहना ताकि आपको मैथ्स और साइंस के हिसाब से मार्च बोर्ड की एग्जाम तक कुछ देखना नहीं पड़ेगा, राइट? अगर आप लोगों ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है तो ये रिविजन आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, राइट? तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, राइट? और आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ कमेंट करें, राइट? लाइक भी करें ताकि मुझे पता लगे कि हाउ वी आर गोइंग ऑन, राइट? तो शुरू करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। शब्द है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है फिर से प्रोड्यूस करना, राइट? तो द फर्स्ट जनरेशन इटसेल्फ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स। अभी ये जनरेशन एक नई जनरेशन पैदा कर रही है अपने जैसे ही, तो वो हो जाएगा रिप्रोडक्शन, राइट? तो यहां पे लिखा है रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बींग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। कैसे सिमिलर? द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार के हैं, एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट, और यहां पे होते हैं डबल पेरेंट, मेल फीमेल। यहां पे मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं होता। अभी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, अगर दो पेरेंट होते हैं तो वेरिएशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक पेरेंट होगा तो उसके हिसाब से जो नई जनरेशन मिलेगी उसके अंदर सब कुछ एक ही पेरेंट का आएगा। लेकिन दो अलग अलग पेरेंट फ्यूज होंगे, उनके गैमेट्स फ्यूज होंगे, तो जो नया जनरेशन मिलेगा उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो कुछ नया वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स ग्रेट स्कोप ऑफ वेरिएशन। सही बात है, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज, क्योंकि वेरिएशन होगा तो नई नई चीजों को और नए नए एनवायरमेंटल चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, राइट? यहां भी लिखा हुआ है वेरिएशन हेल्प्स स्पीसीज टू एडप्ट डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस। डन, ओके। अभी इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस मैंने आपको बोला, सेक्सुअल में बोथ द पेरेंट्स आर टेकिंग पार्ट, यहां पे सिंगल पेरेंट इज टेकिंग पार्ट। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल गैमेट। यहां पे कुछ गैमेट जैसा नहीं बनता, राइट? यहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जेगोट व्हिच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। यहां पे नया इंडिविजुअल बनेगा जेगोट फॉर्म होके, यहां पे कुछ जेगोट जैसा है ही नहीं। पेरेंट अपनी बॉडी में से ही या तो अपने बॉडी के ही पार्ट करके नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा। आगे बढ़ते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है बाइनरी फिजन। सबसे पहले बाइनरी फिजन, फिजन मतलब पार्ट करना, बाइनरी मतलब दो पार्ट करना। तो अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है सिंगल सेल वाला, राइट? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके देखो पहले न्यूक्लियस इलोंगेट हुए, फिर न्यूक्लियस डिटेच हुए, अब पूरी बॉडी डिटेच हो गई। तो स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, ये चार स्टेज में अमीबा का बाइनरी फिजन हो गया और दो छोटे छोटे नए अमीबा मिले, वन और टू, राइट? तो यहां पे मोस्ट कॉमन मेथड इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज डिविजन ऑफ द पेरेंट सेल इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल है अमीबा, पेरामेशियम और बैक्टीरिया, कोई भी। मल्टीपल फिजन मतलब एक में से बहुत सारे डिवाइड होना, जिसको बोलेंगे हम मल्टीपल फिजन। पेरेंट सेल डिवाइड टू रिप्रोड्यूस मेनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल, यहां पे सिर्फ दो, यहां पे मेनी। उसके एग्जांपल से प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया। लेशमेनिया जो है वो बाइनरी में भी काउंट होगा, क्योंकि कभी कभी वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, ये थे दो। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, टुकड़ा, राइट? एडल्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन मेच्योरेशन ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है और हर एक टुकड़ा अपने आप को डेवलप करके क्या बना देता है? न्यू इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल स्पायरोगैरा, और स्पायरोगैरा जैसी बहुत सारी एल्गी जो है वो इसी प्रकार से क्या करती हैं?
अपने आप को डेवलप करती है फ्रेगमेंटेशन से। राइट, यहां तक समझ में आ गया। देखो ये अपना पूरा एक ऑर्गेनिज्म मेन है, उसका एक टुकड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा हुआ, और भी टुकड़े हो सकते हैं, और फर्दर डिवाइड होके वो क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन से नया नया इंडिविजुअल बनाते जाएंगे। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में मेन वर्ड है वो है बड। बड का मतलब होता है एक छोटा सा आउटग्रोथ। राइट, अभी यहां पे क्या है, बडिंग में अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड अराइज ऑन द पेरेंट बॉडी। ये रही पेरेंट बॉडी, यहां पे छोटा सा बड देखो डेवलप हो रहा है, वो डेवलप होके हाइड्रा, छोटा हाइड्रा बना, अब ये कंप्लीट हाइड्रा बन गया और थोड़े दिनों के बाद यहां से डिटेच हो जाएगा और डिटेच होके एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म है, उसी तरह वो बिहेव करेगा। तो हाइड्रा, स्पॉन्जेस, कॉरल्स एंड यीस्ट, ये सब इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे देखते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म अपने तीन टुकड़े करता है, अपर बॉडी, राइट, अपर बॉडी, मिडिल बॉडी, लोअर बॉडी। जिसके पास अपर बॉडी होगा वो अपने आप में मिडिल और लोअर जनरेट कर लेगा, जिसके पास मिडिल बॉडी होगा वो अपने आप में अपर और लोअर जनरेट कर देगा, जिसके पास लोअर बॉडी होगा वो अपने आप में मिडिल अपर जनरेट कर लेगा। इन शॉर्ट, अपने पास जो भी टुकड़ा है उसके अलावा बाकी का पार्ट खुद जनरेट करना और फिर से, इसका मतलब हुआ रीजनरेशन। लिजार्ड अपनी पूंछ को जब कभी भी इमरजेंसी होती है तो पूंछ काट के फेंक देती है ताकि खुद अलग डायरेक्शन में भाग सके, ये आप लोगों को पता है। राइट, तो ये एक प्रकार का रीजनरेशन ही हो गया। राइट, आगे देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, तो एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट के ऊपर बल्ज होता है, बल्ज के अंदर स्पोर्स होते हैं, डेवलप होने पे ये बल्ज फूटता है, बस्ट होता है, और बस्ट होने के बाद उसमें से बहुत सारे स्पोर्स बाहर आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन स्पोर्स मैच्योर स्पोरेंजिया बर्ड्स एंड स्पोर्स आर कमिंग आउट बाय विंड वॉटर। हवा से उड़ के भी आ सकते हैं, पानी के तैर के भी आ सकते हैं, कहीं से भी आके एक जगह दूसरी जगह पे डिपोजिट होंगे, जहां पे डिपोजिट होंगे वहां पे फिलामेंट और उसके ऊपर वापिस से नया स्पोर फॉर्म करेंगे। राइट, तो ये है स्पोर फॉर्मेशन। ये कौन करता है, मॉस, फर्न और फंगी, खाने के ऊपर उगने वाला जिसको हम फूग बोलते हैं, फंगी। राइट, ये भी इसी प्रकार से एक से ज्यादा अपने आप को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्लांट के ही कोई पार्ट को प्लांट में से निकाल के ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया, या तो फिर ऑलरेडी कोई प्लांट है उसके साथ जोड़ दिया, तो दो प्लांट एक साथ ग्रो करेंगे, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके अंदर हम रूट्स को भी काट सकते हैं, स्टेम को भी काट सकते हैं, लीव्स को भी काट सकते हैं, और काटने के बाद अलग जगह पे उसको सेट कर दो तो वो सेट होके पूरा का पूरा नया प्लांट बनेगा। एग्जाम्पल है, अपने को सिर्फ ब्रायोफिलम पता था, ब्रायोफिलम तो सिर्फ लीव का है, लीव के अलावा रूट में पोटेटो और जिंजर जो है वो बाय स्टेम ग्रो होता है। राइट, इसके अलावा जो मेथड इसके अंदर यूज की जाती है उसके नाम यहां पे लिखे हैं, आप नाम एक बार देख लो, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। ये सब आप लोगों को पता है। लेयरिंग का मतलब होता है एक प्लांट है, राइट, मान लो कि एक ट्री है, उसकी ब्रांच कहीं पे बेंड होके जमीन को टच कर गई, जहां पे ब्रांच टच कर गई वहीं से नया प्लांट बनता है। राइट, इसकी ब्रांच टच किया तो इस तरीके से उनकी जो पॉपुलेशन है वो स्प्रेड होती जाती है। ग्राफ्टिंग में उसको बीच से काट के गाड़ दिया जाता है और वो नया प्लांट बन जाता है। स्टेम कटिंग का भी यही होता है, स्टेम कटिंग करके कोई एक प्लांट के साथ ऐड कर दिया जाता है, उसको ऐड कर दिया जाता है, मतलब एक डाली को काट के दूसरी डाली में लगा देते हैं। प्लांट एक होता है, डाली अलग होती है, तो ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे क्योंकि ये अपने सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है। राइट, टिश्यू कल्चर आप अपने हिसाब से देख लोगे। अभी ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, आगे डिफरेंशिएशन आया वो भी 2 मार्क में आपको काम आ सकता है। राइट, तो न्यू प्लांट शोज एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज ऑफ द पेरेंट प्लांट, आपको वही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। मेथड थोड़ी फास्टर है क्योंकि उसको बाय स्टेप ग्रो नहीं करना है, ऑलरेडी एक स्टेप पे वो आ चुका है वहीं से ग्रो करना है। प्लांट इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। अगर सेक्सुअली प्रोड्यूस करने के लिए कोई नया प्लांट नहीं मिलता तो बाय दिस मेथड एक में से दूसरा बना सकते हैं। एग्जाम्पल है सीडलेस बनाना और ग्रेप्स। अभी इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। यहां पर ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा, जैसा पेरेंट होगा वैसा ही डॉटर होगा। राइट, दोनों सेम ही होंगे, एक दूसरे के जैसे ही होंगे। द न्यू प्लांट ग्रोज इन द सेम एरिया
एज द पेरेंट प्लांट विच लीड्स टू कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज। और बहुत दूर नहीं, जहां पे एक प्लांट होगा उसके नजदीक में ही दूसरा प्लांट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फटाफट आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों मिलके, राइट, मेल और फीमेल दोनों मिलके करते हैं रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बिहाफ में आपको मिलता है नया जनरेशन, जिसको बोल सकते हैं हम लोग ऑफस्प्रिंग, राइट, ऑफस्प्रिंग मिलता है। तो ये प्रोसेस सेक्सुअल मोड में आती है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज ग्रेटर वेरिएशन, वो हम लोगों ने देख लिया है, वेरिएशन मिलता है। उसके बाद ये जो हो रहा है उसका मेन रीजन है डीएनए कॉपिंग। डीएनए जितना एक्यूरेटली कॉपी होगा उतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेटली आपको नई जनरेशन में देखने को मिलेगा, राइट। आगे, हेंस दिस इंश्योर्स अ मिक्सिंग ऑफ जीन पूल ऑफ दीस स्पीसीज विद इन अ पॉपुलेशन, एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज एज दिस प्रोसेस जनरेट्स मोर वेरिएशन ड्यू टू द जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ उसके अंदर एक फादर का नहीं होता, फादर के साथ मदर का भी एड उसके अंदर होता है। तो रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि फादर इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और मदर इज ऑल्सो ऑफ योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, उनका ही कॉम्बिनेशन है। अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले दो मिलके बनाएंगे कुछ नया वेरिएशन, राइट। तो ये नए वेरिएशन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर कौन कौन पार्ट लेता है। तो उसके अंदर क्रोमोसोम डीएनए दोनों पार्ट लेते हैं। अभी मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर 23, तो नया जो आता है उसके अंदर 46 होने चाहिए और होते भी है शुरुआत में, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बाकी के डिलीट होके रह जाते हैं सिर्फ 23, जो कि उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो यहां तक सब कुछ पता लग गया। जब मैं बोल रहा हूं उस वक्त आप ये लाइंस को पढ़ना शुरू करें, ताकि जो बोल रहा हूं उसके बारे में एक्चुअल वर्ड्स आप लोगों को पता लगे और कुछ स्कीप ना हो जाए। आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है आप लोगों को प्लांट के पार्ट पता होने चाहिए। तो मैं नीचे जाता हूं जहां पे एक फ्लावर का फोटो हमारे पास है, ये रहा देखो फ्लावर। तो फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है पिस्टिल और मेल को बोला जाता है स्टेमेन। याद कैसे रखना है, मेन स्टेमेन, और पिस्तौल की चला चलने वाली फीमेल, मस्ती की बात है, पिस्टिल। वहां पे स्टिग्मा, स्टेल, ओवेरी, ये होता है। एंडर फिलामेंट होता है स्टेमेन के अंदर, पेटल सेपल तो चलो बाहर ही होते हैं। तो स्टेमेन और पिस्टिल में क्या होता है, स्टेमेन में होता है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब एक ऐसी पट्टी जैसी रचना, स्ट्रक्चर, उसके ऊपर होता है एंडर। एंडर के अंदर बहुत सारे होते हैं पोलेन ग्रेन्स। क्या होते हैं दोस्तों, पोलेन ग्रेन्स। और यही पोलेन ग्रेन्स क्या होते हैं, एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे शिफ्ट होते हैं। वेटा कुछ टेक्निकल इश्यू है, वेट। चलो हाँ, तो पोलेन ग्रेन जो है वो वहां से निकलेंगे और अंदर से निकल के जाएंगे फीमेल पार्ट के पास। अभी फीमेल पार्ट का एक बड़ा सा पिक्चर अपने पास है, वो देख लेते हैं। तो फीमेल पार्ट कहां गया, ये रहा फीमेल पार्ट प्लांट का, ये रहा। तो वहां से पोलेन ग्रेन उड़ के आते हैं स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा में प्लांटों के अपना एक पोलेन ट्यूब बनाते हैं, पोलेन ट्यूब के थ्रू आते हैं ओवेरी में, और ओवेरी के अंदर एग्स के साथ मिलके वो बनाते हैं नया एक जायगोट। क्या बनाते हैं दोस्तों, जायगोट बोलो, जायगोट बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन स्पेलिंग पता है तो कुछ दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हो जाएगा उनका प्रोसेस। अब प्रोसेस ऐसे होता है कि देखो, कोई भी फ्लावर होता है ना, फ्लावर के पास दोनों पार्ट्स हो सकते हैं, वेदर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, सिर्फ फीमेल भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से फ्लावर के दो पार्ट पड़ते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बायसेक्सुअल फ्लावर। अभी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल के हिसाब से देखा जाए तो फ्लावर अपने जो फ्लावर के पास मेन एंडर है, फिलामेंट है, वहां से लेके सेम फ्लावर के अंदर, मतलब सब कुछ एक ही फ्लावर में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर एक फ्लावर के अंदर फिलामेंट ने अपना पोलन ग्रेन
दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के ऊपर डाला, स्टिग्मा के ऊपर डाला, तो वो हो जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं सेल्फ पोलिनेशन के, क्रॉस पोलिनेशन के, तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल का भी 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन करो और एग्जांपल दो, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको काम आएगा। अभी देख लेते हैं पोलिनेशन किसको बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टार्ट्स विद ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंडर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, उसको बोलेंगे पोलिनेशन। डन, यहां तक हो गया। अभी ये पोलिनेशन में पोलिन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट की मदद से, विंड की मदद से, वाटर की मदद से, तीनों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखो यहां पर भी लिखा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कौन से गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स। तो एक मेल जर्म सेल होता है और दूसरा होता है फीमेल जर्म सेल, दोनों मिलके एक गैमेट बनाते हैं जिसको हम जैगोट बोलते हैं। राइट, और जैगोट को बनाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। राइट, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अभी जैगोट जो है वो फर्दर डेवलप होके बनाएगा एम्ब्रियो। राइट, और एम्ब्रियो बनाने के बाद वो रिपन होगा, रिपन में से फ्रूट बनेगा, फ्रूट में से आपको सीड्स मिलेंगे, और इस प्रकार से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करेगा और आपको कुछ उसका प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, द सीड दैट कंटेन्स न्यू प्लांट और एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग व्हेन कंडीशन इज सुटेबल, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज जर्मिनेशन। ये डेफिनेशन हो गया जर्मिनेशन का। सर्टेन कंडीशन लाइक न्यूट्रिएंट, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ये भी आपको याद रखना है, न्यूट्रिएंट होना चाहिए, वाटर और प्रॉपर टेम्परेचर मिलना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तभी जर्मिनेशन होगा, नहीं तो जर्मिनेशन नहीं होगा। राइट, एम्ब्रियो गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड इन द कोटिलेडन। राइट, वहां पे अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जो हम लोगों को पता ही ऑलरेडी, आगे कुछ ना पढ़ते हुए सीधा सीधा जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ डेवलपमेंट में देखते हैं आपको, अच्छा ये पढ़ना हो तो आपके लिए ये मैं रख देता हूं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, या तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। नीचे आते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट में, बॉयज एंड गर्ल्स बड़े होते जाते हैं, बड़े होने के बाद उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस वाली एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। राइट, प्यूबर्टी के अंदर आने वाले चेंजेस का क्वेश्चन भी 2 मार्क का होता है कि मेंशन द चेंजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन एनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमंस। राइट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले इन्फेंट 1 से 1 साल का, टोडलर 1 साल से 4 साल, एडोलेसेंट 11 से 19 तक, और एडल्टहुड 18 साल से ऊपर जो शुरू होता है वो होता है एडल्टहुड। यहां से उनकी जर्नी शुरू होती है जो एकदम मेच्योर हो जाते हैं, और ये जर्नी शुरू होने वाले पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। जहां से जर्नी शुरू हुई, कहां से शुरू हुई थी, 12-11 साल के बाद। राइट, और वो मेच्योर हो गए कहां से, 18-19 के बाद, उसके बाद कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। तो गर्ल्स में क्या होता है 11 ईयर्स से, बॉयज में 12-14 ईयर्स से प्यूबर्टी शुरू होती है, अंटिल दोनों 18 ईयर्स की एज तक, 18-19 ईयर्स की एज तक क्या कर लेते हैं, ये सारा सारा चेंज कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, ओके, अभी क्या क्या चेंज आते हैं वो मैंने आपको बोला, 2 मार्क का क्वेश्चन ये रहा। देखो, चेंज इन बॉयज, टेस्टिस मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। टेस्टिस आगे आएगा आपको क्या होता है देखेंगे, ओवरीज मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम, और उसकी वजह से गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाती है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, जो हर महीने 3-4 दिन के लिए आते हैं। राइट, उसके बाद बॉयज जो होते हैं उसके शोल्डर ग्रो करते हैं, और गर्ल्स का कमर के नीचे का पार्ट जिसको हिप गिडल बोलते हैं वो डेवलप करता है। राइट, हेयर ग्रोथ जो है वो भी प्यूबिक रीजन का, मतलब है प्राइवेट पार्ट, उसके अलावा आर्मपिट यहां पे और बहुत सारी जगहों में बॉडी पे हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। गर्ल्स में भी सेम प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है, अंडर आर्म्स में भी हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है, और बॉयज को मुस्टैच बियर्ड दोनों देखने को मिलती है। गर्ल्स के अंदर वो नहीं होता, लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब गर्ल्स की छाती वाला पार्ट आगे आ जाता है। राइट, थोड़ा सा शेप लेता है अलग प्रकार का। द स्किन इन द प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर, प्यूबिक रीजन मतलब प्राइवेट पार्ट की जो स्किन होती है। राइट, प्राइवेट पार्ट की स्किन हो जाती है ब्लैक कलर की, और सेम चीजें गर्ल्स में भी होती है कि स्किन इन द प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर। ये मैं आपको बता दूं, ये जब टॉपिक अपना डिस्कशन चल ही रहा है, तो कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं कि अंडर आर्म्स की स्किन ब्लैक होती है, ज्यादातर सब लोगों में ब्लैक नहीं होता। राइट, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो बिटवीन द थाइस,
जिसको हम प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, आदमी मतलब गर्ल बोलो चाहे बॉय बोलो, कितना भी गोरा क्यों ना हो, कितना भी काला क्यों ना हो, वहां का डार्कनेस जो है वो सबका ऐसा ही होता है। बाकी हम लोग जो वीडियो में देख के जो गुमराह होते हैं, जो वहम पालते हैं कि चलो कितना गोरा है, कितना ये है, राइट, दिस ऑल इज बुलशिट, उसके ऊपर कुछ ध्यान देने जैसा नहीं होता। और क्या होता है, बॉयज के अंदर आवाज गहरी होती है, गर्ल्स के अंदर आवाज पतली होती जाती है, राइट। तो ये चीज देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस, राइट। यहाँ पे फिजिकल मेंटल इमोशनल, क्योंकि हम फिजिकली तो बदल रहे हैं, मेंटली भी अपना दिमाग जो है वो सोच में कुछ परिवर्तन लाता है। जैसे कि पहले अपने को अपने बॉडी के लिए कुछ उतना नहीं था, लेकिन अब कहीं भी बाहर घूमने जाना है, फंक्शन में जाना है, तो एक कपड़ा डालेंगे उतारेंगे, दूसरा कपड़ा डालेंगे उतारेंगे, और ये करते करते हम लोग अपने आप को कहां पे अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, वही सोच में पड़े रहते हैं, जो अपने लिए कहीं ना कहीं क्या करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि इसका टाइम आगे आएगा, अभी इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, अच्छा खासा दिखना वो सही बात है, लेकिन उसके पीछे टाइम वेस्ट करते रहना वो ठीक बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। द स्पॉट ऑफ ग्रोथ इन सर्टेन बॉडी पार्ट्स क्रिएट कंफ्यूजन इन टीनेजर्स, दे स्टार्ट वरिंग अबाउट इट। कभी कभी ये होता है कि गर्ल्स को हाथ में पैर में बाल उगने शुरू हो जाते हैं, राइट, उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं, उनको अच्छा फील नहीं लगता कि कैसे हर महीने ब्लीडिंग होना, मसल्स क्रैम्प, स्टमक के अंदर मसल्स क्रैम्प होना, ये सब क्यों होता है। तो उसी तरह बॉयज में भी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को उनको बुरा लग जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, राइट। तो ये सब चीजें होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसके अंदर कोई चिंता की बात नहीं है, शांति रखें, पेशेंस से काम ले, तो सब कुछ ठीक रहेगा। टीनेजर बिकम्स हाईली सेंसिटिव, यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं। कोई एक ओपिनियन देगा तो उसके ओपिनियन के ऊपर वो डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, राइट, ऐसा उसने मुझे क्यों बोला होगा। गर्ल्स बोलेंगी ये मेरे सामने हंसा क्यों होगा, बॉयज बोलेंगे वो मेरे सामने देख क्यों रही थी, अरे बाबा देख रही थी, उसकी आंखें देखने दो, कोई बात नहीं, राइट। तो डीप थिंकिंग जो है वो यहां पे उतना मैटर नहीं करता, कोई कुछ भी बोले, हम जो है वो हमारे घर के संस्कार, हमारी रीति रिवाज के हिसाब से है, उसी हिसाब से आगे चल रहा है, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को कुछ गलत नहीं सिखाएंगे। ओके, दे टेंड टू बिकम वेरी एंग्री और अपसेट इजिली, वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। प्रीफर द कंपनी ऑफ पर्सन ऑफ देयर एज, पूरा दिन दोस्तों के साथ ही फोटो खिंचवाओ, बैठे रहो, खेलो कूदो, मोबाइल करो, बातें करो, ये सब चीजें चलती रहती है, क्योंकि कंपनी अच्छी लगती है अपने जैसे एज वालों की। हॉर्मोनल चेंज होते हैं तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी रहता है। दे फील अर्ज टू बिकम एन इंडिपेंडेंट, किसी की बात ना मानना और खुद जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसी इच्छाएं भी इसी दौरान दिमाग में आती हैं। दे हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट सेक्स, सेक्स लाइफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो दो लोगों को ही पूछना है, एक पूछना है अपने पेरेंट को जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, और दूसरा पूछना है अपने टीचर को। भूल कर भी अपने दोस्तों को नहीं पूछना है, क्योंकि वो भी आपके जितनी एज वाले ही हैं, उनको भी कुछ नहीं पता होगा, और पता होगा तो जैसा और जितना आपको पता है वैसा और उतना ही उनको पता होगा। और दूसरा है गूगल, जिससे कोई इंफॉर्मेशन कभी भी सही नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल जो है वो उनके अंदर फीड की गई इंफॉर्मेशन को शो करेगा, वो ये नहीं समझेगा कि आपने पूछा क्या है, आपने जो पूछा है उसके रिलेटेड सब कुछ बता देगा, और आप सब कुछ रीड करने लगोगे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और उसके अंदर कुछ हो सकता है कि आप मिसगाइड भी हो जाओ। दिस मेक्स द इंपॉर्टेंट टू कंसोल देम इन द राइट मैनर, और समझाना जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम लोग देखते हैं, ओके, पहले ये समझ लेते हैं कि मेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बाद में देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेन चीज होती है टेस्टिस, टेस्टिस मतलब इतना छोटा, राइट, ओवल शेप का एक बॉडी पार्ट जो बॉडी के बाहर स्क्रोटम नाम की बैग थैली में रखा हुआ होता है, जो बॉडी के बाहर इसलिए होता है कि उसको बॉडी से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए ताकि वो अपने आप में स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर पाए। यहां पे प्रोड्यूस हुए स्पर्म्स वेस डिफरेंस नाम की ट्यूब, जिसको स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं, वहां से जाते हैं पेनिस में और पेनिस के थ्रू बाहर आते हैं। और अभी यही पेनिस जो है उसके अंदर इस स्पर्म को आने के लिए सेमिनल वेसिकल जो है यहां पे, ये सेमिनल वेसिकल अपने आप में से कुछ सीक्रेट करेगा, और वो सीक्रेशन जो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, और एड होके क्या बनेगा, वो स्पर्म का मीडियम बनेगा और स्पर्म आगे जा पाएंगे। यहां पे उसका पूरा का पूरा फंक्शनल टेबल आपको दिया हुआ है,
वो आप ध्यान से पढ़ लो। कुछ कुछ चीजें काम की है, कुछ कुछ चीजें काम की नहीं है, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये 1, 3, 4, 5 काम के हैं उसको देखो। टेस्टिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। वेस्ट डिफरेंस क्या होता है, ट्यूब होती है राइट, जो जाके यूरिनरी तक खुलती है ब्लैडर से पास होते हुए। सेमिनल वेसिकल जो है वो भी एक ट्यूब है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बाइलोब स्ट्रक्चर की होती है और सराउंडेड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के आजू बाजू इसको खोला जाता है ताकि सीमेन के फॉर्म में स्पर्म्स को बाहर निकाला जा सके, राइट। आगे देखते हैं पेनिस। पेनिस के बारे में सबको पता है, सबसे लंबा पार्ट, सॉरी सबसे लंबा मतलब बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे लंबा पार्ट पेनिस होता है। पेनिस के थ्रू ही स्पर्म्स डिलीवर होते हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। ये पेनिस जब इरेक्ट होता है, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होता है, टाइट होता है, तब जाता है वजाइना के अंदर। वजाइना के अंदर यहां तक ही जा पाता है। ये सर्विक्स एंट्री है, सर्विक्स एंट्री में से स्पर्म अंदर जाएंगे और एक तरफ या तो दूसरी तरफ, दोनों तरफ जा सकते हैं। यहां पे दोनों ओवेरीज मैच्योर होने पे अपने आप में से हर महीने एक एग बाहर निकालती हैं। ये एग आगे आते हैं उसी वक्त रास्ते में यहां से लेके यहां तक क्या होता है, यहां से लेके यहां तक वो एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के बाद हो जाते हैं फ्यूज, और फ्यूज हो जाने के बाद वो बनाते हैं जायगोट, राइट। तो ये जायगोट बनने के बाद यहां आते हैं, यहां के उनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है उससे पहले ये जो यूट्रस वाला पार्ट है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अपनी वॉल्स को एकदम सॉफ्ट बनाएगा और स्पंज वाली बनाएगा। और सॉफ्ट क्यों बनाएगा, ताकि अंदर जो बेबी ग्रो करने वाला है उसको डैमेज ना हो, और डैमेज ना हो तो वो बेबी अच्छे से ग्रो कर पाए। तो नो डैमेज कंडीशन की वजह से उसको सॉफ्ट रखा जाता है। अगर ये कुछ कंडीशन नहीं होती तो क्या होता है, अभी पेट के अंदर स्पॉन्ज बनाना के मतलब ये हुआ कि हेल्प किसकी लगेगी, हेल्प लगेगी या तो मसल्स की लगेगी, या तो टिश्यूज की लगेगी, और या तो ब्लड की लगेगी। तो ब्लड, टिश्यू और मसल्स की वजह से जो कुछ बनता है वो पूरा का पूरा हो जाता है शेड ऑफ, और शेड ऑफ होके बाहर आता है उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो गर्ल्स के अंदर कम से कम 2 दिन और मैक्सिमम 8 दिन तक चलती है, और हर मिनिमम 28 दिन पे रिपीट होती है, मैक्सिमम 32-35 डेज पे वो रिपीट होती रहती है, राइट। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसकी डेट आप अपने हिसाब से पता लगा सकते हो। इफ यू आर अ फीमेल तो फीमेल अपने आप से पता लगा सकती है, नहीं तो उसका कैलकुलेशन आप अपनी मम्मा के पास से जान सकते हैं। अगर पापा से बात कर सकते हैं तो पापा भी बताएंगे, क्योंकि ये चीज सबको पता होती है, लेकिन बताता तभी है जब उसको पूछा जाता है। अभी ओवेरीज क्या होती है, जैसे वहां पे टेस्टिस थे, जैसे यहाँ पे ओवेरीज है, कंपेयर करते हैं। देखो वहां पे 2 टेस्टिस, यहाँ पे 2 ओवेरीज, वहां पे स्पर्म डक्ट, यहाँ पे ओविडक्ट, ओविडक्ट के अलावा उसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे यूट्रस, वहां पे कुछ नहीं, सीधा का सीधा पेनिस के थ्रू बाहर आ जा रहा था पार्ट, यहाँ पे सर्विक्स के थ्रू वजाइना में पार्ट खुल रहा है। यूट्रस मतलब वूम, वूम के अंदर बेबी को ग्रो करने का स्पेस मिलता है, एम्ब्रियो बनता है वहां पे। वजाइना जो है बर्थ में काम आता है, वुल्वा जो है वजाइना का ओपनिंग है जहां से बर्थ पॉसिबल बनता है। फर्टिलाइजेशन हम लोग देख चुके हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यहां पे सबसे पहले जेगोट बनता है, जेगोट में से रिपीटेडली होके वो फेलोपियन ट्यूब से आता है, उसमें से क्या बनाता है, एक बॉल स्ट्रक्चर बनाता है, और बॉल स्ट्रक्चर बना के आगे और ज्यादा डेवलप होता है और बनाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में से और ज्यादा डेवलप होके बनाता है फोइटस, और फोइटस हो तभी कहलाया जाएगा जब बेबी के बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं कि ये मुंह है, चलो ये उसकी आंख है, ये उसके कान है, ये उसके चिन्ह है, ये उसका चिक्स है, ये हाथ पैर उंगली सब कुछ दिखता है, तब उस स्टेज को बोलते हैं फोइटस। और फोइटस बनता है 3-4 महीने के बाद, या तो ऑनसेट ऑफ 3 और 4 मंथ फोइटस रेडी हो जाता है। अब मैंने आपको बोला कि अगर ये प्रिपरेशन करने से पहले ये बॉडी के अंदर दोनों मिले ही नहीं, कौन दोनों नहीं मिले, स्पर्म्स अगर नहीं मिले एग्स को, तो क्या होगा, तो ये शेड ऑफ हो जाएंगे और स्पॉन्जी लेयर जो अंदर बना था वो निकल जाएगा, और वजाइना में से हैवी ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग के कारण 2-8 डेज रफली पकड़ लो ये चलेगा हर महीने, उसको बोला जाएगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जब शुरू होता है इसको बोला जाता है मेनार्च, या तो मेनार्क बोला जाता है, और जब वो खत्म होता है उसको बोला जाता है मेनोपोज। पोज का मतलब स्टॉप होना, ये मेनोपोज भी तभी शुरू होता है। आगे देखते हैं, एज सून एज जायगोट फॉर्म इट स्टार्ट डेवलपिंग, इम्प्लांट करता है यूट्रस के अंदर, इम्प्लांट करने के बाद वो अटैच हो जाता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा नाम का,
राइट, ये रहा प्लेसेंटा नाम का स्पेशल टिश्यू हो जाता है जो उनको ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करता है। 280 डेज लगते हैं कंप्लीटली, 9 मंथ के बाद बेबी बोर्न होके बाहर आता है, इसकी पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। राइट, आगे देखते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख लो, स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्टेप्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि एक से दूसरे के साथ फ्यूज, सॉरी, एक के दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आने के बाद कुछ डिजीज डेवलप होते हैं जो कि अपने लिए हानिकारक हैं। पहला है एड्स, दूसरा है गोनोरिया, तीसरा है सिफिलिस, उसके अलावा और एक वायरल है जिसका नाम है वार्ट्स, वायरल डिजीज है। ये तीनों के तीनों डिजीज, और ये चौथा, ये चारों डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसको बोला जाता है एसटीडीज। राइट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके लिए फिजिकल फिट रहना, फिजिकली क्लियर रहना, एक दूसरे से उतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना और प्रोटेक्शन यूज करना, ये सब कुछ चीजें जरूरी होती है। और लास्ट इज एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमो वायरस। राइट, ये भी एक रीजन है एसटीडी का, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए स्पर्म्स को, राइट, स्पर्म्स को एग से मिलना रोकना है बस। अगर ये दोनों रुक गए तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा, और सब कुछ फिट और सब कुछ क्लियर रहेगा। अभी यहां पे सबसे पहला है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड मतलब क्या, हार्मोन्स में चेंज करके स्पर्म को रोक दो या तो एग को रोक दो। अभी हार्मोन्स में चेंज करके स्पर्म को नहीं रोक सकते, एग्स को रोक सकते हैं, तो पिल्स आती है, टेबलेट आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो खाके लेडी जो है, गर्ल जो है, फीमेल जो है, वो अपने एग्स को रोक सकती है। नेक्स्ट इज बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है अटकाना, कुछ भी रख के। तो अगर मेल है वो अपने पेनिस के ऊपर कॉन्डम पहन ले, डायाफ्राम पहन ले, या तो ऐसा कुछ भी, गर्ल अपने, मतलब फीमेल अपने वजाइना के ऊपर बांध ले, पहन ले, तो ये भी यहाँ पे लॉक कर सकते हैं उनको। दूसरा है उसके अलावा लूप और कोपर्टी। कोपर्टी कैसा होता है पता है आपको, यहाँ पे दिखाता हूं, चलो, ये रहा फीमेल का, राइट, तो ये फीमेल का जो है यहां से इंसर्ट किया जाता है कोपर्टी को, और ये कोपर्टी इस प्रकार से लॉक कर देती है ट्यूब को। यहाँ पे देखो ये टी शेप बन रहा है ना, ये टी शेप बना के अंदर दोनों तरफ ओवेरीज में खुल जाती है और लॉक कर देती है ओवेरीज को, ताकि वहां से कोई एग बाहर ना आने पाए, राइट, और स्पर्म्स अंदर ना जाने पाए। तो ये होता है लॉकिंग सिस्टम उनके लिए, राइट। चलो आगे देखते हैं, दूसरा है सर्जिकल मेथड। यहां से स्पर्म्स आने वाले ट्यूब को काट दो, जिसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, या तो फिर फीमेल में से आने वाली जो है उसको काट दो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, और मेल में हो जाएगा वो वेसेक्टोमी। ये दोनों कर सकते हैं। और लास्ट जो है तरीका, बहुत ही डेंजरस तरीका है, वो एमटीपी टूल किट। एमटीपी किट तभी यूज किया जाता है जब बेबी जो है वूम के अंदर 2 मंथ से ज्यादा प्रेग्नेंट होता है, और ये किसी भी गायनेक की सलाह के बाद ही लेना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही बॉडी में इंबैलेंस क्रिएट करता है और बॉडी के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, ये आपको बहुत काम आएगा माइंड मैप, और ये नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो भी ठीक है, अगर ऐसी की ऐसी पीडीएफ चाहिए तो मैंने पहले भी बोला है 499 के अंदर आपको साइंस प्लस मैथ्स दोनों की फुल पीडीएफ मिलेगी। इसके अंदर बहुत सारे सम्स, एजर्शन, डिजन, उसके बाद केस स्टडी, ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहां तक इस वीडियो को रखते हैं, फटाफट 1 मार्क का वीडियो इसके बाद आप देख लेना, पूरे के पूरी बायोलॉजी सेक्शन का 1 मार्क का वीडियो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, राइट। तो यहां तक रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।